Good morning, students. I am Aditi Bora and I am your new English teacher. And मैंने सुना है कि आपका English teacher का जो course है वो बिल्कुल भी start नहीं हुआ है 12th का, और मुझे इसका कोई idea नहीं था. So मैं आपके लिए एक poem prepare करके लाई हूँ जो कि लिखी है श्री अरबिंदो ने, और उसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ बदलाव नहीं है. ट्रांसफॉर्मेशन को हम इंग्लिश में कह सकते हैं, हिंदी में कह सकते हैं रूपांतरण या परिवर्तन. चेंज का मतलब ही परिवर्तन होता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है एक ऐसा परिवर्तन जो हमको अंदर और बाहर से बदल देता है, हमारे आसपास की दुनिया को या हमारे जो ज़िंदगी है उसको हर तरीके से बदल देता है. हम एक उसको कह सकते हैं इट इज़ मोर देन जस्ट अ चेंज, इट इज़ अ रेडिकल चेंज. और ये जो पोएम लिखी है श्री अरबिंदो ने, चलिए पहले मैं आपको इसका जो टाइटल है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज, बट इट्स मोर देन जस्ट अ चेंज. ये एक नॉर्मल चेंज से बहुत ज़्यादा है, जिसको हम कह सकते हैं रेडिकल चेंज. और ये लिखा है श्री अरबिंदो ने. श्री अरबिंदो का आपका इसमें कोई इंट्रोडक्शन नहीं है कि श्री अरबिंदो कौन थे. चलिए मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ. पहले श्री अरबिंदो जो थे वो एक नेशनलिस्ट थे, वो नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे. उन्होंने भी मतलब हमारे भारत की आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन बाद में वो एक फ़िलोसोफ़र बन गए. उनके जीवन में कुछ ऐसे परिवर्तन आ गए जिसकी वजह से उन्होंने जो लड़ाई झगड़ा वगैरह है या जो स्ट्रगल वगैरह है वो छोड़ दिया, और उन्होंने भी महात्मा गांधी की तरह पीस को फॉलो करना या नॉन वायलेंस को फॉलो करना ही स्वीकार किया. और ये पोएम उसका ही एक एग्ज़ाम्पल है. सो हम फर्स्ट लाइन्स लेते हैं. My breath runs in a subtle rhythmic stream. It fills my members with a might divine. I have drunk the infinite like a giant's wine. Time is my drama or my pageant dream. यहाँ तक कि अभी हम अपना जो first stanza है वो ले रहे हैं. My breath, यानी कि मेरी सांसें, runs in a subtle rhythmic stream. मेरी जो सांसें हैं वो बिल्कुल बारीक लयबद्ध तरीके से चल रही हैं. Rhythmic मतलब क्या होता है? रिदमिक, रिदमिक का मतलब होता है लयबद्ध. आप कोई गाना सुन रहे हैं और उसकी जो लय होगी, अगर वो ख़राब होगी तो आपको अच्छा लगेगा क्या वो गाना सुनना? बिल्कुल नहीं लगेगा. और अगर आपकी जो सांसें हैं, अगर चलो हम गाने को साइड में रख देते हैं, हम अपने सांसों की ही बात करते हैं बिकॉज़ यहाँ पे सांसों की ही बात हो रही है. अगर हम अपनी सांसों की बात करते हैं और अगर हमारी सांसें जो हैं वो ऊपर नीचे हों तो प्रॉब्लम हो जाती है, हमको हॉस्पिटल जाना पड़ता है. लेकिन यहाँ पर श्री अरबिंदो क्या फील कर रहे हैं, यहाँ पर श्री अरबिंदो फील कर रहे हैं, माय ब्रीथ रन्स इन अ सबटल रिदमिक स्ट्रीम. मेरी जो सांसें हैं वो लयबद्ध चाल की तरह चल रही हैं, वो बिल्कुल लयबद्ध तरीके से चल रही हैं. इट फिल्स माय मेंबर्स विद अ माइंड डिवाइन. यहाँ पर मेंबर्स का मतलब हमारे घर के मेंबर्स नहीं हैं. सेकेंड लाइन, इट फिल्स माई मेम्बर्स विद अ माइट डिवाइन. यहाँ पर मेम्बर्स का मतलब है ऑर्गन्स, यानी कि हमारे शरीर के अंग. इट फिल्स माई मेम्बर्स विद अ माइट डिवाइन. अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि उनकी जो सांसें हैं वो लयबद्ध तरीके से चल रही हैं, और उनकी यही लयबद्ध सांसें उनके हर एक अंग अंग को जो है वो एक डिवाइन पावर से, एक डिवाइन माइट से, यानी कि एक दिव्य ताकत से भर देती हैं. माइट डिवाइन, चलिए अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ. माइट का मतलब होता है ताकत, और डिवाइन का मतलब होता है दिव्य. सो श्री अरबिंदो की जो सांसें हैं वो इस लयबद्ध तरीके से चल रही हैं कि उनकी वो सांसें उनके अंग अंग को एक दिव्य शक्ति से भर देती हैं. आई हैव ड्रंक द इन्फाइनाइट लाइक अ जायंट्स वाइन. अब यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि मैंने अनंत को एक जायंट की वाइन की तरह, जायंट का मतलब होता है
मैं आपको, चलिए यहाँ यहाँ लिख देते हैं। जायंट का मतलब होता है दानव। हो सकता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो, क्योंकि यहाँ पर आप श्री अरबिंदो को दानव मत समझ लेना। इस लाइन का मतलब होता है आई हैव ड्रंक द इनफाइनाइट लाइक अ जायंट स्वाइन। मैंने अनंत को इस तरीके से पी लिया है मानो कोई दानव एक लार्ज अमाउंट में, एक भारी भरकम अमाउंट में मदिरा पीता है। वाइन का मतलब तो आप सबको पता ही होगा, वाइन का मतलब होता है शराब या मदिरा, बट फिर भी मैं लिख देती हूँ आपकी नॉलेज के लिए। टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। अब टाइम इज़ माई ड्रामा, ये अपने आप एक मेटाफिजिकल लाइन है, आप इसको सिम्बोलिज्म भी कह सकते हो, बिकॉज जो भी आप पोइट्री पढ़ोगे उसमें पोइटिक डिवाइसेस होते ही हैं, उसमें सिम्बोलिज्म होता है, उसमें असोनेंस होता है, उसमें पर्सोनिफिकेशन होता है, और इसमें भी कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, और वो क्या डिवाइसेस हैं वो भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सो टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। टाइम इज़ माई ड्रामा का मतलब कि अब उनकी जो लाइफ टाइम है, उनका जो पूरा जीवन है, वो मतलब उसके हर एक एस्पेक्ट को खुलकर जी सकते हैं। ड्रामा से हम कह सकते हैं जब आप कोई मूवी देखने जाते हैं या जब आप कोई सीरियल देख रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि वो बहुत ही रियलिस्टिक है, हालांकि वो एक ड्रामा है लेकिन आपको बहुत ही रियलिस्टिक लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, उसमें जो उस कैरेक्टर का जो रोल निभा रहे हैं, वो उस रोल को अच्छी तरीके से जी रहे हैं, उन्होंने अपने अंदर उतार लिया है उस चीज़ को। इसलिए श्री अरबिंदो जो हैं वो ऐसी दिव्य शक्ति से भर गए हैं कि उनके आसपास जो कुछ भी हो रहा है, चाहे अच्छा या बुरा, उसमें वो कोई नेगेटिविटी नहीं ढूंढ रहे हैं, उसको भी वो इंजॉय कर रहे हैं, और उसको वो उसके हर एक एस्पेक्ट को वो अच्छी तरीके से जी रहे हैं। और माई पेजेंट ड्रीम, पेजेंट का मतलब होता है शानदार प्रदर्शन, अ वेरी इल्यूमिनस डिस्प्ले, अ वेरी एग्जोरेंट डिस्प्ले। चलिए मैं अब लिख देती हूँ आपके लिए मीनिंग। आई होप सो कि आपने ये सब नोट कर लिया होगा। मैं इसका इंग्लिश में भी सिनोनिमस लिख देती हूँ, वंडरफुल डिस्प्ले। आप चाहे तो वंडरफुल एग्जीबिशन भी लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प के लिए लिख देती हूँ यहाँ एग्जीबिशन, यानी कि प्रदर्शन। माय ब्रीथ रन्स इन अ सबटल रिदमिक स्ट्रीम, इट फिल्स माय मेंबर्स विद अ माइटी डिवाइन, आई हैव ड्रंक द इनफाइनाइट लाइक अ जायंट्स वाइन। टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। अब हम इसको ब्रीफ में समझते हैं। मेरी सांसें एक लयबद्ध चाल की तरह चल रही हैं और उन्होंने मेरे शरीर के अंग अंग को एक दिव्य शक्ति से भर दिया है। मैंने अनंत को इस तरीके से पी लिया है मानो कोई दानव जो है मदिरा पान करता हो। टाइम इज़ माई ड्रामा और माई पेजेंट ड्रीम। अब टाइम जो है वो श्री अरबिंदो का ड्रामा है, कहने का मतलब कि वो अपने लाइफ के हर एक एस्पेक्ट को, उनके लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या औरों की ज़िंदगी में, जो उनके आसपास जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है, वो उसको अच्छी तरीके से फील कर पा रहे हैं, अपने अंदर तक वो महसूस कर पा रहे हैं। अब चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसमें वो नेगेटिविटी नहीं देख रहे, उसमें वो उनको पॉजिटिविटी ही नज़र आ रही है। और माई पेजेंट ड्रीम, उनको जो जीवन जो है वो एक शानदार प्रदर्शन लग रहा है, अब उनको अपने जीवन जीने में मज़ा आ रहा है, बिकॉज उनके जो अंग हैं, उनकी जो आत्मा है वो दिव्यता से भर चुकी है, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो है उन्होंने अपने अंदर फील किया है। नाउ आर माई, अब ये सेकेंड स्टेंजा है, नाउ आर माई इल्यूमाइंड सेल्स जॉयस फ्लेमिंग स्कीम। इल्यूमाइंड का मतलब होता है प्रज्वलित, या हम उसको कह सकते हैं एनलाइटेंड, प्रकाशमान या प्रकाशित। मैं लिख देती हूँ आपके लिए, आपकी हेल्प के लिए मैं ये भी बता देती हूँ कि ये सेकंड स्टेंजा में से वर्ड मीनिंग्स हैं। इल्यूमाइंड
प्रकाशित एनलाइटेंड। नाउ आर माई इल्यूमाइंड सेल्स जॉयस फ्लेमिंग स्कीम। सेल्स तो हम सबको पता होगा, हिंदी में जिसको हम कोशिकाएं बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स वगैरह, जिसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस वगैरह होता है, आपने साइंस में पढ़ा ही होगा। नाउ आर माई इल्यूमाइंड सेल्स जॉयस फ्लेमिंग स्कीम। अब उनकी जो कोशिकाएं हैं वो सिर्फ रक्त की कोशिकाएं नहीं रह गई हैं, उनमें एक आनंद भर गया है, वो आनंद की रूपरेखा बन चुकी है। हम कहते हैं ना, मेरा रोम रोम तो आनंदित हो रहा है, हमने बहुत बार ऐसा फ्रेज जो है सुना होगा, मूवीज़ में सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, या अगर हम दूरदर्शन पे कभी कोई सीरियल देख रहे होंगे, अभी तो बहुत चल रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं ये लाइन ज़रूर होगी। तो आपने सुना भी होगा कि अब उनकी जो कोशिकाएँ हैं वो दिव्य रोशनी से, वो दिव्यता से भर चुकी हैं और वो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। And changed my thrill, second line of the second stanza, and changed my thrilled and branching nerves to fine. और उनकी जो नसें हैं वो excited हो चुकी हैं। जब हम excited होते हैं तो हमारी जो erectile है, erectile का मतलब हमारे जो रोम छिद्र हैं वो खड़े हो जाते हैं, हमको कैसा मतलब ठंड सी लगती है हमको, तो उनको भी वैसा ही एहसास हो रहा है। And changed my thrilled and branching nerves to fine. Thrilled का मतलब होता है excited. And branching nerves to find. अब उनकी जो नसें हैं, अगर हम अपनी शरीर की नसों को देखते हैं, हम इसे बहुत से अपनी शरीर की नसों को देख सकते हैं, वो बिल्कुल ब्रांचेस के शेप में होती है, ऐसा लग रहा है जैसे पेड़ों की टहनियाँ निकल रही हो। तो उनकी जो ब्रांचिंग नर्व्स हैं वो अब बिल्कुल बारीक हो चुकी हैं, उनको बिल्कुल बारीकी से दिख रही हैं, और बारीकी से उनको उनमें क्या दिख रहा है, बारीकी से उन नसों में उनको दिख रहा है एक रैप्चर होता हुआ। रैप्चर एक ऐसा वर्ड है कि हमको लगता है थोड़ा तबाही जैसा वर्ड है, लेकिन रैप्चर एक तबाही से रिलेटेड कोई वर्ड नहीं है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है बिकॉज ये साउंड इसी तरीके से करता है। सो रैप्चर का मतलब होता है आनंद की अनुभूति करना। रैप्चर का मतलब होता है आनंद की अनुभूति करना। उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो नसें हैं शरीर की, वो इस तरीके से रोमांचित हो चुकी हैं कि वो आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। चैनल्स ऑफ रैप्चर ओपल एंड हाइलाइन। ओपल का मतलब होता है एक ऐसा स्टोन जिसका जो रंग है वो दूध या सफ़ेद होता है, मिल्की वाइट जैसा उसका कलर होता है, वो होता है ओपल। तो उसकी जो नसें हैं और उसकी जो सेल्स हैं वो इतनी दिव्य हो चुकी हैं, वो इतनी ब्राइट हो चुकी हैं कि वो बिल्कुल ओपल की तरह नज़र आ रही है एक बिल्कुल। और हाइलाइन का मतलब होता है ग्लासी या ट्रांसल्यूसेंट। हम ग्लास देखते हैं, जैसे हमारे घर में ग्लास होगा जिससे हम पानी पीते हैं, वो कितना ट्रांसपेरेंट होता है, हम उसके आर पार देख सकते हैं। सो हाइलाइन एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा एलिमेंट है जो कि काफ़ी ट्रांसपेरेंट है और हम उसके आर पार जो हैं देख सकते हैं। सो उनकी जो नसें हैं वो इतनी मतलब दिव्य हो चुकी है कि अब हम उनके आर पार देख सकते हैं। हम उनके शरीर के अगर आर पार देखें तो हमें परमात्मा की अनुभूति होगी, वो इतने दिव्य हो चुके हैं अपने आप में। For the influx of the unknown and the supreme. Influx का मतलब होता है अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह। अब मैं इंग्लिश में अगर लिखूँ तो हो सकता है number of the things taking entry into one।
इन्फ्लक्स का मतलब होता है अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह से आप ये समझ सकते हैं कि भाई जैसे कि आपने कोई घड़ा रखा है, उस घड़े के ऊपर जो है टैप लगा हुआ है, उस टैप में से कैसे पानी बह रहा है, उसमें से एक एक बूंद मिलकर वो पूरा झरना बनता है। सो उसी तरीके से उनके शरीर में जो है अंतः प्रवाह हो रहा है दिव्यता का, और वो जानते भी नहीं हैं कि वो कौन है, लेकिन वो इतना जानते हैं कि वो सुप्रीम है। इसलिए सेकेंड स्टैंजा की लास्ट लाइन में लिखा हुआ है फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम। अब उनको अंदर ही अंदर अपनी जो महसूस हो रहा है कि उनकी जो सांसें हैं वो रिदमिक स्ट्रीम में चल रही हैं, वो लयबद्ध तरीके से चल रही हैं, और उनके जो अंग हैं वो मतलब दिव्यता से भर गए हैं, मानो कि उन्होंने अनंत को एक दानव की मदिरा की तरह पी लिया हो, और टाइम जो है वो उनका ड्रामा बन चुका है। मैंने आपको समझाया था कि मतलब अपने वो जीवन के हर एक एस्पेक्ट को मतलब वो अच्छी तरीके से जी पा रहे हैं, उसको खुलकर देख पा रहे हैं, उनको उसमें कुछ भी नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है, और उनको जीवन जो है वो एक शानदार प्रदर्शन लग रहा है। उनकी जो कोशिकाएं हैं वो मतलब आनंद से भर चुकी हैं, और उनकी जो नसें हैं वो इतनी एक्साइटेड हो चुकी हैं और इतनी दिव्य हो चुकी हैं कि वो अब एक ओपल की तरह, ओपल यानी कि दूध या सफ़ेद पत्थर की तरह नज़र आने लगी है, और हाईलाइन की तरह नज़र आने लगी है, यानी कि ग्लासी और ट्रांसल्यूसेंट लगने लगी हैं। वो इतने दिव्य हो गए हैं, अंदर से वो इतने क्लीन हो गए हैं, स्पिरिचुअली क्लीन हो गए हैं। फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ द अननोन एंड द सुप्रीम। अब उन हमने इसे किसी ने भी परमात्मा को नहीं देखा है, बिल्कुल नहीं देखा है। सो इस वजह से परमात्मा जो है अननोन है, लेकिन उनको ये पता है कि वो जो महसूस कर रहे हैं वो परमात्मा की शक्ति है, वो परमेश्वर की शक्ति है। सो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, और आज के लिए इतना काफ़ी है। और मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगी कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, ये आपका होमवर्क है। Thank you very much.